दिनांक 24 जून 2020 को लगभग 11 बजे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के संज्ञान में व्हाट्सएप के माध्यम से व्यक्ति के द्वारा कुछ ऑडियो क्लिप्स भेजी गई, जिनमें जनपद बलरामपुर के थाना गौर चौराहा के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक FIR के वादी से रिश्वत लेकर मुकदमे में फर्जी धाराएं बढ़ाने की बात की जा रही है। इस अति गंभीर प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं और COCT के माध्यम से जांच की गई। ऑडियो क्लिप में बहुत अधिक स्पष्टता न होने के बाद भी प्रथम दृष्टया SHO गौरा चौराहा थाने का एक मुंशी और एक सिपाही इस ऑडियो क्लिप में दोषी परिलक्षित हुए। तत्काल प्रभाव से उपरोक्त तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और COCT को 2 दिन में इसकी जाँच पूर्ण करके जाँच आख्या देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, ताकि दोषियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सके। बलरामपुर से नरेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमको कुछ ऑडियो क्लिप्स भेजी। उसका ये कहना था कि इन ऑडियो क्लिप्स में बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक व्यक्ति से सांठगांठ की गई और उसके जो मुकदमा था उसके अंदर फर्जी धाराएं बढ़ाने के लिए, उसका फर्जी मेडिकल बनवाने के लिए उसे पैसा लिया गया। इस ऑडियो क्लिप की तुरंत हमने जांच की, COCT को तुरंत जांच दी, तो इसमें प्रथम दृष्टया जो ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ें आ रही हैं बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर से ये निकल करके आ रहा है कि SHO गौरा चौराहा और उसके साथ वहाँ के 2 पुलिसकर्मियों की इसमें संलिप्तता पाई जा रही है। तो ये काफ़ी गंभीर प्रकरण है और ये ऐसी अनुशासनहीनता है, भ्रष्टाचार का ऐसा प्रकरण है कि जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए, और इसीलिए जनपद बलरामपुर के थाना गौरा चौराहा के SHO को और वहाँ के जो 2 पुलिसकर्मी जो प्रथम दृष्टया इस ऑडियो क्लिप में दोषी पाए जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और इसमें आगे जाँच करवाई जा रही है।